हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। दोस्तों क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, आशा करता हूँ कि आप लगाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैंक में जमा राशि पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज देती है, ठीक है। इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1+R1/100 और 1+R2/100 और 1+R3/100 होता है। अगर चौथा रेट होगा तो चौथा भी जुड़ेगा, यहाँ पे सारा वन एक एक साल का इसीलिए वन वन रहेगा, ठीक दोस्तों। आगे आ जाइए, देखिए उसके बाद क्या, यदि तीसरे वर्ष में अंत में तक जमा इतने रुपए हैं, ठीक है, तो अमाउंट इतना दे दिया, ठीक दोस्तों। आइए देखिए क्या दिया, अमाउंट 12,243 मतलब 12,243 रुपये दे दिया है। पी हमको पता करना है, पी तो प्रारंभिक राशि मतलब प्रिंसिपल हमको बताइए। तो 1+R मतलब 5/100, दूसरे वर्ष के लिए 1+6/100 और तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों हो जाएगा 1+10/100, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए 0.05 कर सकते हैं, इसका मतलब ये 1 पॉइंट हो जाएगा, हालांकि इसको छोड़िए ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 5×5=20, 21/2 हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा 12, 2, 4, 3, ये 20 उधर जाके डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये 21 इधर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा ये 6, ये 100 इसको काटिए, हो जाएगा 3, हो जाएगा 50, तो 53/50 तो उधर चला जाएगा 50 और ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 53, ठीक दोस्तों। आगे आ जाइए, देखिए कट के 0 तो 10×10=11, तो 10 ऊपर चला जाएगा और 11 हमारा नीचे चला आएगा, ठीक दोस्तों। और अपॉन ये हमारा पी यहाँ पे अकेले सिंगल बेचारा बच जाएगा। देखिए इसको काटते हैं 11 से, तो 11×11=11 यहाँ बच जाएगा, 11×11=11 यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 11×11=11, यहाँ 1 बच जाएगा, 11×11=11, यहाँ 11×11=11, 11×3=33, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए ये किससे कटेगा, 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे 3×7=7 और ये कट जाएगा 3×3=9, 3×7=7 इतना और 3×7=3071, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 7 से कटेगा क्या, देख लेते हैं एक बार, 7 से काटते हैं, 7×3=7, 7×5=35, ठीक है एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ दोस्तों गलती से 0 लग गया था, वो कट के गलती से, देखिए देखिए आगे लिखिए 7×7, 7×5=35, 7×3=21, ठीक है। तो 53 से 53 कट गया पूरा का पूरा, ये देखिए इस नंबर से कट गया, बचा क्या 5×2=10 मतलब 100 में मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, लगभग कितनी आ गई 10,000 वैल्यू आ गई, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, मतलब पी हमारा कितना आ गया, प्रारंभिक जमा राशि कितनी आ गई, 1,000 आ गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक दोस्तों, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत धन्यवाद।